आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी, जो बनाने वाली है मेरी सासू माँ। ये उनके हाथों के स्पेशल लड्डू हैं, बेसन के लड्डू, और जिसके लिए हमने ले लिया है नॉन स्टिक पैन। स्टिक पैन रख दिया है अब गर्म करने के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून घी। अब यहाँ पे घी में हम थोड़ी सी किशमिश डाल रहे हैं, जिसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि ऐसे भूनने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्वीट बनाते समय ड्राई फ्रूट्स को अगर घी रोस्ट कर लें तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। और हमारे किशमिश भी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल देंगे। अब उसी पैन में हम बेसन भूनने के लिए डाल रहे हैं घी, जो अभी हम ले रहे हैं लगभग 1.5 कटोरी। अब हम डाल रहे हैं बेसन, जो हम ले रहे हैं लगभग 6 कटोरी। अब इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स करना है, और इसमें अभी हमें और घी की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा अच्छी तरीके से बेसन को भून सकें। जितना अच्छा तरीके से, जितना ज्यादा आप इसमें घी डालेंगे, बेसन उतनी अच्छी तरीके से भूनेगा भी और उतना टेस्टी भी बनेगा, और लड्डू भी आप ज्यादा दिनों तक रख के खा सकेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने अभी जितना घी डाला है वो बेसन को भूनने के लिए काफी है। इसमें जो घी की क्वांटिटी हमने ली है वो करीबन ली है 400 से 500 ग्राम। बेसन हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, ताकि ये जले ना और इसका टेस्ट खराब ना हो। आप देख सकते हैं बेसन हमारा भूनकर रेडी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम गैस बंद करके इसे निकाल देंगे। बेसन अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिला रहे हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम सेम बर्तन को इस्तेमाल करते हुए पाक बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले डाल रहे हैं शक्कर, और शक्कर हम ले रहे हैं यहाँ पे 4 कटोरी। यहाँ पे हमने जिस कटोरी से बेसन माप लिया था उसी हिसाब से, उसी कटोरी से हम यहाँ पे शक्कर ले रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी, जो हम ले रहे हैं 1 ग्लास, और शक्कर भीग जाए हमें इतना ही पानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे सेम बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इसमें जो घी और बेसन लगा हुआ है साइड में वो वेस्ट ना हो। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं जब हम चम्मच उठा के इस तरीके से देखते हैं, ड्रॉप गिराते हैं, तो जो धार होती है वो आखिरी में इस तरीके से बहुत स्लो गिरती है। इसका मतलब है चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बेसन को हम इसमें मिला देंगे। अब अच्छे तरीके से बेसन और चाशनी को मिक्स कर लेना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप बेसन डाल रहे होंगे चाशनी में, तो उस टाइम पे गैस स्टोव को बंद रखिएगा। बेसन डाल देने के बाद में गैस को हम ऑन कर लेंगे और इसको रखेंगे स्लो फ्लेम पे, और इसे कंटिन्यू हमें मिक्स करते रहना है, जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। बेसन अब तैयार है, इसे अब निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमें इसे उतना ही ठंडा करना है जितना हम इसके लड्डू बना सकें। बेसन अब ठंडा हो गया है, हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे।